वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज ग्लिज़ एंड यू गाइस आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्ट्स। और कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। तो गाइस, मैंने जो आप लोग के साथ सफर स्टार्ट किया है, इंग्लिश वाला सफर नहीं, उर्दू और हिंदी वाला सफर, कि हम लोग कर रहे हैं अपनी रेलगाड़ी में बैठ के डिफरेंट मूवी सिनेमास का सफर और बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, मलयालम और ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के बाद आज हमारी रेलगाड़ी जाके रुकी है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पे। और फर्स्ट टाइम मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी किसी भोजपुरी मूवी के टीजर पे अपना रिएक्शन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संघर्ष 2 के टीजर की, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे केसरी लाल यादव, जो कि बिग बॉस 13 के एक्स कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं और उनकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है। बिग बॉस में कई बार उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में गाना भी सुनाया है। तो जल्दी से भी हम चलते हैं और चल के पहले संघर्ष 2 का टीजर देखते हैं और उसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे। सो 3, 2, 1 लेट्स गो। सो गाइस, ये कह दिया है मैंने संघर्ष 2 ऑफिशियल टीजर प्ले। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ की नदी नदी गंगा है और शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। और जब भी कोई सिर फिरा बहती हुई गंगा से अपने कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी। ओह माय गॉड, क्या बात है। जब ले हमें बेड़ी के सहारे चलत हमर माई हारत रही और हम हमर माई के जीतल देखल चाहतनी। संघर्ष 2, दिल थाम के बैठो चाहने वालों। ये केसरी लाल की आवाज। पिक्चर अभी बाकी है। नाइस। तो गाइस, ये था संघर्ष 2 का ऑफिशियल टीजर। एंड गाइस, इट वाज अ नाइस टीजर। जिस तरह से टीजर स्टार्ट होता है, जो वीडियो क्वालिटी है वो स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इस लेवल की एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट जो स्टार्टिंग में जिस तरह बिल्डिंग्स दिखाई, वो जो जेट स्की में जो जा रहे हैं सब, वो वाटर सीन जो था वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद जो लास्ट और बीच में भी थोड़ा जो गन मशीन के सीन्स आए, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। और काफी खुशी हो रही है देख के भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब ग्रो कर रही है, वरना पहले उनका एक ही सेम कॉन्टेंट होता था ज्यादातर, जो जिसको हम कहते हैं कि लवी डवी या जो ट्राइंगल लव ट्राइंगल टाइप वाला कॉन्टेंट, वो ज्यादातर उनकी मूवीज में होता था। लेकिन अब जो है वो इस तरह के एक्शन मूवीज, मास मूवी की तरफ भी जा रहे हैं। सो दैट्स समथिंग वी नीड टू अप्रिशिएट। और जिस तरह हम ओडिया मूवीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ओडिया इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना चाहिए, और ताकि वो भी इसी तरह से क्वालिटी कॉन्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करें। सो मुझे बहुत अच्छा लगा संघर्ष 2 का टीजर। अभी ट्रेलर आना बाकी है। टीजर में मोस्टली बहुत ही लिमिटेड डिटेल होती है मूवी के बारे में, जिस तरह इसमें भी था कि बैकग्राउंड वॉइस थी जिसमें वो इंडिया के बारे में बता रहे थे कि इंडिया कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसकी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में पूरा डिस्कस किया। और उसके बाद जो थोड़े बहुत एक्शन सीन उनके दिखाए गन मशीन वाले, तो मैं कहूंगी गन मशीन तो आजकल शायद हर मूवी का एक इम्पोर्टेंट जुज बन चुकी है, मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर ये सीन ना हो तो मूवी हिट नहीं होगी। आई डोंट नो कि ये इस तरह का क्यों माइंडसेट बन रहा है सबका, बट अगर मूवी में अच्छा कॉन्टेंट हो, अच्छी तरीके से उसकी पिक्चराइजेशन हो, तो वॉयलेंस ना भी हो तो ऑडियंस पसंद करती है। सो गाइस, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और रिएक्शन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।